गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ चार शब्द रचना उपसर्ग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। यहाँ जैसे कुछ शब्द हैं, अभी प्लस नेता अभिनेता, पर प्लस तंत्र परतंत्र, अध प्लस खिला अधखिला। तो इस प्रकार शब्द के पहले जो शब्द जुड़ रहा है उससे नया शब्द बना है, तो हम कह सकते हैं जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में चार प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत अव्यय, जो कि उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग कौन से? अ, अन, अति, अधि, अनु, अब, आ, अभि, उप, कु, दुर, दुस, निर, परा और नी। जैसे अ से क्या बनता है? अधर्म, अन्याय, असत्य, अखंड, अज्ञान। अन से अनंत, अनेक, अनुपस्थित, अनाचार, अनादर। उसी प्रकार हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं? अ, अध, अन, उन, औ, क, कु, दु, दो, नी, पर, भर और उनसे इस प्रकार से शब्द बनेंगे। उर्दू के उपसर्ग कौन से हैं? कम, खुश, दर, ना, वा, बे, सर, हम, उससे भी इस प्रकार से नए शब्द बनते हैं। अब संस्कृत के अव्यय शब्द कौन से हैं? अ, अंतः, अंतर, अधः, अन, पर, पुरह, सत और सम, तो ये उससे बनने वाले उपसर्ग शब्द हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आपका वर्क क्या है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है से ये आपको स्वयं फील करना है और ग्रुप में सेंड करना है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, सोदारण बताइए। तो उत्तर है, जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उदाहरण, अ प्लस ज्ञान अज्ञान। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। तो उत्तर क्या है, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले उपसर्ग हैं अ, अध, अन, उ, नी, भर, कु, दु और स। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है और इन्हें याद भी करना है। हैव अ नाइस डे।